एक सूचना दे दे। देखिए भैया, जो आपका टीचर की परीक्षा होने वाली है 25 तारीख को, 26 और 27 को, 25 तारीख को पुख्त परीक्षा जो 1-5 में है और बीएड वाले संशय स्थिति में है, अभी तक स्पष्ट रूप से ना शिक्षा विभाग को कहा है ना कोई सरकार कही है कि बीएड को क्या किया जाएगा, माने अभी भी अधर की स्थिति में है, यानी निराशा है। लेकिन आपसे आपको हम कहना चाहते हैं कि आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा में क्या पढ़ना है क्या करना है, अंतिम समय है, आप परीक्षा के आप बहुत ही कम ही समय बचे हैं, आज 21 तारीख हो गया है, आप 2 दिन में क्या पढ़ना है 22-23 में, आज बचा है कुछ रात वक्त, 2 दिन में किस ढंग से पढ़ना है, जो पढ़े हुए हैं उसका रिविजन करें, किसी भी अफवाह पर न रहें कि क्वेश्चन आउट होगा ये होगा, और किसी भी दलाल पर विश्वास न करें, बहुत सारे दलाल मार्केट में घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम करा देंगे, हम क्वेश्चन आउट करा देंगे, लेकिन इस बार तो व्यवस्था BPSC द्वारा की गई है, पूर्णतः सख्त व्यवस्था की गई है, 1 घंटा पहले आपको सीट पर बैठना पड़ेगा, ताला बंद हो जाएगा, जब से परीक्षा का निर्धारित समय है उसे 1 घंटा पहले ही आपका जो मेन गेट है एंट्री बंद हो जाएगी। जो आपको कहता है कि आप क्वेश्चन आउट करवा देंगे, अनफेयर मीन्स की बात करता है, उस पर तरह की विश्वास न करते हुए एक अपने विश्वसनीयता के साथ आप मेहनत करें, आपका निगेटिव मार्किंग हट गया है तो निगेटिव मार्किंग हट गया तो खुश होने की बात नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग हट गया तो स्कोर भी हाई करना पड़ेगा। अगर 120 क्वेश्चन पूछता है जी, 1-5 की हम बात कर रहे हैं, और अन्य परीक्षा के 120 क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम 75% जनरल वाले पर 75 क्वेश्चन से कम पर सिलेक्शन नहीं होगा। जो क्वेश्चन BPSC का पैटर्न है, लड़के लाने वाले हैं तो 75 क्वेश्चन का आंसर सही हो जनरल का, वो कैसे लाया जाएगा? जो अभी तक आप पढ़े हैं या 10 का 10 पला हो या 10+2 की परीक्षा को या 1-5 हो, सिर्फ आप रिविजन करें, नई बात को कोई नहीं बढ़े, नई बात को पढ़ना बेवकूफ़ी है। करंट अफेयर्स 5-7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स को देखें, कौन कहां पर सम्मेलन हुआ, कौन खेल कहां पर हुआ, ब्रिक्स का सम्मेलन कहां हुआ, IPL कौन जीता, गोल्डन बॉल गोल्डन बूट का पुरस्कार फुटबॉल में किसका मिला, ये सब चीज़ को देख ले, करंट अफेयर कुछ बिहार का भी देख ले, जो बिहार के मोटे मोटे बिहार, ये नहीं कि डेप्थ में बिहार देखें, इसके बाद बिहार के मंत्री कौन मंत्री है उसको मंत्री पर निगाह डालें, परीक्षा में कभी कभी मंत्री का भी नाम पूछ सकता है कि हम मंत्री किस विभाग से संबंधित है, गृह सचिव का, चीफ जस्टिस का, एडवोकेट जनरल का, ये सब को नाम जरूर दिमाग में रहना चाहिए, ताकि परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न भी आप परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बिहार का एडवोकेट जनरल कौन है, बिहार का चीफ जस्टिस कौन है, इस क्वेश्चन को याद कीजिए, BPSC के चेयरमैन कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, यानी मंत्री गृह सचिव गृह विभाग किसके पास है, ये ढंग से क्वेश्चन, जहाँ सम्मेलन हुआ है कौन सम्मेलन, अभी भारत जानने ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, ब्रिक्स के सम्मेलन कहाँ होने वाला है, जो हाल फिलहाल में 2022 में सम्मेलन हुआ, 2023 में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन को देख लेंगे, IPL को देख लेंगे, मॉडर्न इतिहास में रिविजन करेंगे, मॉडर्न इतिहास में आपको 1885 से लेकर 1947 तक जो गांधी युगीन इतिहास है और सहयोग मूवमेंट के विषय में अच्छा से पढ़ लेंगे, चौरा चोरी, रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन स्वराज दल का गठन और सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, काकोरी कांड, जो मुख्य घटनाएं हैं, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पड़ी थी सांडर सत्याकांड में, वो सब क्वेश्चन कब फांसी पड़ी थी, जो एकदम आप नोट्स बनाए होंगे या टीचर पढ़ाए होंगे, गवर्नर जनरल का मुख डॉक्टर नाइन ऑफ लेफ्ट लॉर्ड डॉलॉजी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था, गुलाब और चपाती, स्वतंत्रता संग्राम के विषय में किसने कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने कहा कि हिंदू मुस्लिम का ईसाई का ये है
झांसी की रानी किस युद्ध में मारी गई, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न इतिहास में। गांधी तिनकटिया पर था, कहां समाप्त किए? तिनकटिया पर था क्या है? गांधी जी कहां आए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए? आपको लखनऊ अधिवेशन में किसके अनुरोध पर ही आए थे? राजकुमार सुख के अनुरोध पर। इस टाइप के क्वेश्चन रह गया भारतीय संविधान में जो मुख्य क्वेश्चन। राष्ट्रपति की समय आर्टिकल विशेष समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ को दिलवाता है, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, सदस्य के रूप में शपथ होता है। इस टाइप का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन देख लेंगे, विटामिन से देख लेंगे, रोग डिजीज से देख लेंगे, विटामिन डिजीज से जरूर देख लेंगे, जो बोटनी है प्लांट्स की फ्लावर की से देख लेंगे, फोटोसिंथेसिस जरूर देख लेंगे, एक ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी जो मोटा मोटी हम कह सकते हैं, जो आप नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स का बराबर रिवीजन करें। दो तीन दिन समय है, कम से कम 12 से 14 घंटा भी पढ़े और टोटल रिवीजन कर दें। रिवीजन कर इसका मैथ भी 1-5 में पूछे जाएंगे। मैथ फार्मूला बेस्ड रहेगा, आसान मैथ रहेगा, वर्क एंड टाइम का रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस का रहेगा, सर्कुलर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, एलसीएम, एचसीएल, इसके जो कैसे बनाया जाता है, जो उसका पैटर्न देख लेंगे। एक ढंग से आप देख कर रखेंगे ताकि आप परीक्षा हॉल में जाएंगे पूरा शांत दिमाग से बनाएंगे, आपकी 100% आप पास करेंगे। तब परीक्षा की रणनीति 2-3 दिन क्या होनी चाहिए, ये रणनीति पर मैं हम चर्चा किए। अगर रणनीति अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं, बहुत सारे दलाल कह रहे हैं, हम देखते हैं, हम पटना में रहते हैं, लोग कहते हैं गाँव के, हम कहते हैं चुपचाप पढ़ाई पर जा दीजिए, कोई दलाल के चक्कर में नहीं, कोई किसी के चक्कर में नहीं, मेरिट पर विश्वास। परीक्षा के बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, बीपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, यह बात जान लीजिए। एकदम अतुल बाबू जब तक रहेंगे तब तक कोई गड़बड़ी नहीं, पहले भी गड़बड़ी नहीं होती थी, आज भी गड़बड़ी नहीं होगी, एकदम ईमानदार संस्था है। इस बार इस पर ईमानदारी से परीक्षा लीजिए, निश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन होगा, अविश्वास रखिए। लेकिन बीएड वाले के पक्ष में सरकार को कुछ बोलना चाहिए, थोड़ा सा निराशा, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। मन से तन से परीक्षा दीजिए और रिवीजन 2-3 दिन के अंदर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।